हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने डेली के करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज तारीख है 13 मई और आज हम डिस्कस करेंगे आज के टॉप करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या SSC का एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें आने के चांसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया फ्रेंड्स, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस मनाया गया, जिसे हम कहते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो फ्रेंड्स, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो ये 11 मई 1998 से स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ, तो उस समय हम लोग क्या हुआ था, पोखरण परीक्षण हुआ था राजस्थान में, उसी कारण क्या हो गया, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में डेंगू बुखार के खिलाफ पहले वैक्सीन को किसने मंजूरी दी है। ये किसने दी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किसने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दी है। और ये है कहां फ्रेंड, तो ये आपके US में है। तो क्या कहा, हाल ही में डेंगू बुखार के खिलाफ पहले वैक्सीन को मंजूरी दी है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो कि US में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहले अपाचे हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है, तो ये कौन है, अमेरिका। अमेरिका ने पहले अपाचे हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स, चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में थोपिल मोहम्मद मीरान का निधन हुआ है, वे कौन थे फ्रेंड्स। तो वे उपन्यासकार थे, ठीक है। नाम क्या है इनका, थोपिल मोहम्मद मीरान। अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। तो ये है एनी हैथवे को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है स्टार ऑन। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने नेपाल के साथ समझौता किया है। किस देश के साथ, नेपाल के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने चीन से आयात पर शुल्क 10% बढ़ाकर 25% कर दिया है, यह किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र के 17 नए SDG एडवोकेट्स में चुना गया है, तो यह है कौन, दिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र के 17 नए SDG एडवोकेट्स में चुना गया है। अब ये SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG का फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉप करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लाता रहता हूँ, आप हमारे वीडियोज़ को पूरा देखिए, फिर आने वाले एग्जाम में अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं पूरा, तो आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका इस डेली करंट अफेयर्स से छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए, कि इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।